बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आतिफ बंगश अपनी 37th एपिसोड के साथ, और आज जो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो की थी टिकटॉक के हवाले से, उसके हवाले से ही मैं अब एक अपडेट भी दे रहा हूँ और कुछ सजेशंस भी दूँगा। जैसे मैंने कहा था कि जो इस तरह की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद करना या आइसोलेट करना अपनी सोसाइटी को इनसे, वो किसी तरह भी एक अच्छा रुझान नहीं है। बैनिंग कल्चर पाकिस्तान में जो है कि कोई चीज़ अगर मैनेज नहीं हो सक रही या नेगोशिएट नहीं हो सक रही तो हम उसको सिंपली, हमारा हल ये होता है कि हम उसे बैन कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी मैनेजमेंट ने इस पर स्टेप लिया था, मैं इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ कि हम इंटरनेशनली जो ये रेनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जो कामयाब हैं और जो बिज़नेस जनरेट करते हैं, उनसे ज़रूर हमें बात करनी चाहिए, उन्हें इनवाइट करना चाहिए, उन्हें उनसे राब्ते बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस है और इन बिज़नेसेस को हमने पाकिस्तान में लेकर आना है। और अच्छी चीज़ इसमें मुझे ये लगी कि मैनेजमेंट ने और टिकटॉक की मैनेजमेंट और पीटीए की मैनेजमेंट आपस में बैठे और डिस्कशन हुई। जो एतराज़ात थे, जो ऑब्सनिटी का मसला था, इमोरलिटी का मसला था, जो वल्गर कंटेंट का मसला था, उस पर डिस्कशन हुआ और टिकटॉक की मैनेजमेंट ने इंश्योर किया कि वो अपना जो इसका फिल्टरिंग को और बेहतर करेंगे और हर कंट्री के लॉज के हिसाब से कंटेंट को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ये एक अच्छा कदम है, ये अच्छा कदम है। और अब हमें थोड़ा सा ख़ुद भी अपने जो सोशल मीडिया पे देखें, हर चीज़, हर जो बात करने वाला है, जो कंटेंट डेवलपर है, वो रीचेबल है इन एनी केस, आप किसी भी तरीके से, क्योंकि ये फ़ोन वेरिफिकेशंस करते हैं, ये ईमेल वेरिफिकेशंस करते हैं। अगर कोई बहुत ही हद से ज़्यादा कोई इमोरल या कोई गैर अखलाकी या कोई एंटी सोशल कंटेंट लगातार तरीके से ऑनलाइन कर रहा है तो उसको अथॉरिटीज़ उस तक रीच कर सकती हैं, उस तक पहुंचा जा सकता है। तो यानी कि सोशल, ये जो साइबर क्राइम टीम्स हैं हमारी, ये इतनी इक्विप्ड हो गई हैं कि रिस्पांस टाइम जो हमारा है वो बड़ा अच्छा हो चुका है। तो ये सोशल मीडिया पे भी जो लोग होते हैं, ये जितने भी पर्दों में चले जाएं या जब इनको ये एहसास हो जाए ना कि ये लोग रीचेबल हैं, अथॉरिटीज़ इन तक पहुंच सकती हैं, इनको बुला सकती हैं, इनसे एक्सप्लेनेशन मांग सकती हैं, तो आप देखेंगे कि कंटेंट जो है ना वो खुद ही अच्छा फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। तो अच्छी चीज़ ये हुई कि ये अनबैन हो गई और एक दफ़ा फिर जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, जो अच्छे कंटेंट डेवलप करते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म फिर ओपन हो गया। और मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि इसको ना पॉजिटिवली यूज़ करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। इसमें कंटेंट 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनता और 1 मिनट में आप ऐसा पैगाम दे सकते हैं, ऐसा मैसेज दे सकते हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ बहुत सीरियस ही होनी चाहिए, हंसी मजाक भी हो, एंटरटेनिंग भी हो, लेकिन वो ऐसा ना हो कि वो एज अ होल किसी भी सोसाइटी को डैमेज कर रहा हो या किसी जो हमारी मेन वैल्यूज़ हैं उनको डैमेज कर रहा हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हर किसी को। और सबसे इसका जो मेन, कोई भी सोशल, जैसे फेसबुक है, चाहे जैसे ये कोई भी सोशल मीडिया है, इसमें आप, इसमें रिपोर्टिंग का एक चीज़ होती है, एक इन्होंने एक फैसिलिटी दी होती है यूजर्स को, फॉलोअर्स को या उनको, कि वो अगर किसी का कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा उनको तो वो उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक जब हर सोशल मीडिया का अपना एक मेजरमेंट का एक तरीका है कि कितने नेगेटिव रिपोर्ट्स जब आ जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस मटेरियल को डाउन कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको लोग, क्योंकि मिलियंस ऑफ लाइक्स और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं उन वल्गर और उन उस कंटेंट के भी जो जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, तो उसको भी हम रोका जा सकता है कि आप उसे लाइक ना करें, उसको फॉलो ना करें, बल्कि उसको रिपोर्ट करें, ताकि ये हेल्प होगी टिकटॉक की मैनेजमेंट को कि वो इसको मॉडरेट कर सकें और इसको उस कंटेंट को फिल्टर कर सकें या बैन कर सकें। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो इस सिस्टम में मौजूद है वो और अच्छी बात यह है कि अब जो पीटीए का चैनल है वो भी खुल जाएगा कि वो एक कम्युनिकेशन चैनल टिकटॉक के साथ बन जाएगा कि अगर पीटीए को भी किसी क्रिएटर की कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उसके थ्रू जब टिकटॉक को पहुंचेगी उसकी रिपोर्ट तो वो फौरी एक्शन भी हो सकता है। तो ये देखें, इंसानी माशरों में ना पनिशमेंट्स और ये बड़ी ज़रूरी है, इसके अलावा इसके बगैर ये चीज़ नहीं डेवलप हो सकती, क्योंकि हम लोग सोशली और इंटरनेट के पीछे बैठे हुए शायद कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि हम तक पहुंचा नहीं जा सकता या हम तक वो नहीं हो सकता। तो ये मैं खुद भी काफ़ी अर्सा तक साइबर क्राइम प्रोटेक्शन में रहा हूँ और पाकिस्तान में कोई एक काम करता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जो रिस्पांस टाइम है किसी भी क्राइम सीन तक पहुंचने के लिए या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तक पहुंचने के लिए वो बहुत कम हो चुका है और एनीथिंग कैन बी ट्रेसेबल। तो इसलिए इस चीज़ को हमें खुद अपने अंदर चेक डालना है कि हम क्या चीज़ अपलोड करने वाले हैं, किस किस्म का जो कंटेंट है वो हम डाल रहे हैं, एज ए मॉसेस ये लोगों को पसंद आने वाला है या नहीं आने वाला। और टिकटॉक मैनेजमेंट को एक सजेशन ये भी दी जा सकती है कि इसमें डिसलाइक का बटन भी बना दें, ताकि लोग जब डिसलाइक के बटन जितने ज़्यादा होंगे, डिसलाइक्स जितने ज़्यादा होंगे तो वो भी एक अच्छी मेजरमेंट होगी क्रिएटर को अपना काम मेजर करने के लिए कि वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे यूट्यूब में तो ये चीज़ें, और दूसरी चीज़ ये है कि आप सर्च करें, ज़रूरी नहीं है क्या, क्योंकि ऑटोमेटिकली टिकटॉक जो है आपका लोकल कंटेंट उठाना शुरू कर देता है जिस मुल्क से, जिस कंट्री से आप बैठे हैं, जिसमें आप यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इसको सर्च करें दूसरी कंट्रीज़ में और उनका कंटेंट भी देखें, अपने ज़रा कंट्री चेंज करके देखें, तो आपको बहुत अच्छे क्रिएटर्स मिलेंगे जो कि बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं एक एक मिनट में। दूसरे मुल्कों में भी आपको बहुत सारे इसी किस्म की इमोरल कंटेंट वाले भी मिलेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि अच्छे कंटेंट जो डेवलप कर रहे हैं लोग, कोई एजुकेशनल हैं, कोई इंटरटेनमेंट, अच्छी इंटरटेनमेंट वाले हैं, वो आप देखें और उनको फॉलो करें। तो वो फिर उनकी भी जो, अगर आपने इंटरनेशनली भी लोगों को किया हुआ होगा फॉलो, तो उनके कंटेंट भी आपको रेगुलर फिर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बस यहाँ इसको इस तरह ज़्यादा लंबा नहीं करते, बस ये है कि अच्छी बात है कि ये सब कुछ हुआ और ये राब्ते बनना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के भी इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ, और इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए। और इस जितना ये जो कंपनीज़ हैं ये पाकिस्तान में आती जाएंगी, इनके साथ हमारी अथॉरिटीज़ के राब्ते बनते जाएंगे, उतना ये कंटेंट हर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करें, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ लाएं जिनसे लोगों को ये पता लगे कि अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो उन तक पहुँचा जा सकता है। तो दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को ये सजेशन है कि इनके साथ कुछ बिज़नेस टर्म्स के ऊपर भी बात करें और लोकल पार्टनर्स इनको इनवाइट करें, ताकि हर कंट्री में इनके लोकल पार्टनर्स बने, जिससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू का हिस्सा जो कि ये टॉप नॉच एप्स हैं, ये मिलियन बिलियंस ऑफ रेवेन्यूज़ दुनिया से उठाती, तो उसका कुछ थोड़ा सा पोर्शन हमारी अपनी कंट्री में भी आना शुरू हो। तो ये इन चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, और अच्छा इस्तेमाल कीजिए चीज़ों का, ये आपके लिए है और आपकी ही वजह से ये चल रही है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।